सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30। अब ये देखो नैनीताल की बारिश जबरदस्त। घर पे रुके देखो नजारा, देखो कुछ नहीं दिख रहा, अगला वाला पहाड़ी नहीं दिख रहा। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, कैसे हो आप सब। नैनीताल में हमारा लास्ट डे है, अभी हम जाएंगे यहाँ से कैथी राम मंदिर। बाकी उससे पहले क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, वो बात की बात है। तो दिल्ली भी जाएंगे क्योंकि मुझे कल जाना है और सभी जाना है। यहाँ पे मित्तिल भाई को ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, झूठता है मेरे को बड़ा ठंड लग रही है। आ गया ना अपनी बात में, अपना खड़ा रखता है सही भाई, बहुत ठंड हो रही है, ठंड हो रही है भाई। बस मैंने शर्ट इसमें भाई, सुबह के 8:40 हो रहे हैं, हमने सोचा हम जल्दी उठ जाएंगे, मैं उठ नहीं पाए। हम सोचा चलो उठ के आप चले जाएंगे नीम करोली बाबा के आश्रम। अभी मैं आपको बाकी के नजारे ना ऊपर जाके देखूंगा छत में, पहले कुछ खा लेते चाय। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर गया था छत पे, तो वहाँ का एक आदमी कह रहा था आगे, जो आगे गया था मेरा बाहर भाई आ गया था, बहुत तेज बहाव है पानी का, थोड़ा तो अभी निकलने की सोच रहे हैं गाड़ी वाड़ी से। यहाँ पे हम फंस चुके हैं वापस से, ये हमारी टेक्निक पागल बनाने की। सर बता तू गया था और क्या भाई, तुम उठे भी नहीं होंगे ना उस टाइम, ना कसम खा दी तुम्हारी कसम भाई। कैसे रहे तेरे भाई आप, अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? नीम करोली बाबा के वहाँ जा रहे हैं, कैची धाम। ओके भाई ओके। स्लिप करने लगेंगे टायर में, जरूर करेंगे भाई, खत्म कर दे भाई। अबे वो नहीं, फिर हमारे घर से तो 50 किलोमीटर भी पूरे नहीं होते, दिल्ली खत्म। तो भाई कैची धाम मंदिर आ चुके हैं, अब पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी। नीचे दिख रहा है मेरे को यहाँ पे पार्किंग, लेकिन पानी पानी हो रखा है नीचे, पता नहीं भाई कैसा सिस्टम रहने वाला है। पार्किंग भाई पानी है, पानी भरा है। कह रहा हूँ क्या कह रहा है, बंदे नंगे होके निकल रहे हैं। अभी चंदा लगाने, यहाँ बारिश अभी तो हुई नहीं हुई भाई, बहुत पहले की हो रही है, साफ पता लग रहा है। ये कह रहा है अभी रुक जाए यार, थोड़ा सा वीडियो में वो आता है कॉपी राइट, वीडियो बनाते रहो भाई, कॉपी राइट आएगा अब बोलूंगा तो, ये चक्कर है। तो भाई सीधा मिलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि अभी पहले पार्किंग लगाते हैं गाड़ी मेन, तो गाड़ी का भी है ना, अभी देख रहा है फिर भीगने से ही बचने की कोशिश करनी है। चलो मिलते हैं ना, रास्ता दे रहा हूँ आगे। कैची धाम मंदिर, ये भी पार्किंग है, नीचे भी पार्किंग, ये पार्किंग है, हाँ पार्किंग लिखा तो है। तो भाई मेरा मंदिर कैची धाम मंदिर, अब पार्किंग का थोड़ा, अब पार्किंग का देखते हैं किस साइड लगाना है, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे कहीं बढ़िया जगह है पार्किंग के लिए। बारिश हो रही है, दिक्कत ये है बारिश, ऊपर से पानी बंद हो जाए नीचे का, चलो कोई बात नहीं, पैर ही गीले होंगे वरना अब तो ऊपर नीचे पूरे दोनों से गीले हो जाएंगे। क्या सबने रेनकोट पहन रखा है भाई? ये उतार दो, ये जुकरबर्ग ने कहा था कि एप्पल फोन, एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि तुम हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, कोई राह नहीं दिख रही है, तो तुम क्या करना, तुम भारत में जाना, नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है नीम करोली बाबा का, वहां पे जाना, वहां से तुमको नई ऊर्जा मिलेगी। हम कैची धाम आ चुके हैं, ये बाबा जी का मेन स्थान है, तो भाई यहाँ से देख लो कैची धाम मंदिर। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ, निकल के भाई 12 बजे पूरे भीग गए। तो दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं, दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं सीधा घर के लिए दिल्ली। बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, सीरियसली बहुत तगड़ी। जा रहे हैं गाड़ी में, भगते हुए जाएंगे, तो वीडियो को फोन कॉल करो मैं अंदर, सीधा मिलेंगे अब कार में और वहाँ से सीधा घर। तो लास्ट व्यू आपका कैची धाम मंदिर।
हाँ भाई पहलवान क्या हो गया? यहाँ से हल्द्वानी, हल्द्वानी से दिल्ली, बीच में दे दी उसका भी, वो बात की बात है, चलते अभी पहले यहाँ से। भाई मैं देख देख के गया था ना बिना, मेरे को अंदर भी बाहर नहीं एक बारी में, अगर गलती से वहां पे कुछ हो गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। दो बाउंडर कितने बैठे पीछे यहाँ पे पूरे डीएफ कॉलेज होते take into the back of the room and tell me how you feel तो भाई बहुत गंदा ट्रैफिक लगा काठ गोदाम तक, हमको बताया एक घंटा लगेगा, नो डाउट। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी पहुंच पाए, तो अब देखते हैं हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट अगर हुआ यहाँ पे कोई तो। बहुत तेज लग रही है भाई ने कह दिया, भूख लग रही है, हाँ। जाम हो रहा है, जाम का मजा तो क्या सिर्फ बारिश की वजह से आ रहा है, अदरवाइज बहुत गंदी हालत हो जाती है भाई। पहाड़ों में तो ठीक ही रहता है, पहले देखते हैं होटल वोटल का देखते हैं, हाँ अगर भूख लग रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, भूख का जरूरी है। मेरी निकल गया है, बहुत निकलेंगे अभी, रॉन्ग साइड लेते हुए नितिन भाई सही भगाते हुए, माँ को देख हम देख और लोग करते हुए ऐसे बोल रहा है, और लोग करते हुए भाई ये तो ब्लॉगिंग का तरीका है, धीरे को जा रहा है मेरा दिल कोई साहा दे नजदीक ना होवे So guys, काफी टाइम के बाद हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, बट अभी तक हम दिल्ली के दिल्ली तक पहुंच चुके होते हैं। नहीं यार, हाँ भैया पहुंच चुके, स्पीड चल रही थी गाड़ी, हाँ ठीक है, हमारी गाड़ी चल रही थी, बट हमें दो ढाई घंटे का खराब हुए पहाड़ों पे, फिर दूसरी बार ट्रैफिक लगा वहाँ पे डेढ़ घंटा खराब, और अभी भी हम रुके कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है बहुत तेज, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे खा के। तो गाइस अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर के लिए, तो अब कोई व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं, सीधा मिलूंगा घर पे, ठीक है, ओके ओके भाई। अब यहाँ पे हमारा खाना पीना एंड होता है एक तरह से, अब मिलेंगे सीधा दिल्ली, दिल्ली सीधा, अब गाड़ी रुकेगी सीधा दिल्ली पे, हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, हम ट्रैफिक में फंस गए, दिल्ली वाले लड़के हैं जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा, तेरे सारा खाना पीना अपने